टेलर, आज मैं आपको छोटे अर्थ का ऊँट मैंने काटे हुए हैं, तो उसको आस्तीन का मसला आ रहा है, तो वो तरीका आपको मैं आज बताऊंगा जो आस्तीन कैसे काटनी चाहिए, तो वो आज तरीका आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो अभी ये यहाँ से मेरा आ रहा है और मुर्ग की गोलाई जो है आ रही है 9:30 पे आ रही है, तो 9:30 पे आस्तीन मेरे को काटनी है। तो ये यहाँ से सिंगल पीस मैंने काटा हुआ है, तो ये 9 पे आ रहा है, तो मेरे को आस्तीन काटनी है 9:30 पे, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे किस तरीके से काटेंगे तो 9:30 पे आ जाएगी, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये पीस मैंने निकाला हुआ है, तकरीबन 26 इंच का पीस निकाला हुआ है, और इसकी आस्तीन की जो लंबाई है वो 22 इंच है, जो मैं तैयार काटूँगा 22 इंच है, तो उसमें मैंने 4 इंच ऐड किया हुआ है, तो वो तरीका मैं आपको आज बताऊँगा किस तरीके से काटेंगे तो ये आस्तीन 9:30 पे बन जाएगी। तो ये मैंने पीस निकाले हैं दोनों, दो सूट एक साथ काटे हुए हैं फ्रेंड्स, तो अभी मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा ऐसे, और इस तरीके से इसको ऐसे करके यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा ही चाहिए कपड़ा, तो मैं यहाँ 3 इंच पे निशान लगा लूँगा यहाँ पे, और यहाँ से एक कट लगा लूँगा फ्रेंड इस तरीके से, और इस कपड़े को खोलते हुए ऐसे मिला लूँगा मैं कपड़े को, दोनों आस्तीन को मैं काटूँगा साथ में, इस कपड़े को ऐसे मिला लूँगा मैं फ्रेंड, ये चेक कर लो। तो ये कपड़ा मैंने मिला लिया, ये अभी मैंने जो कट लगाए हुए हैं ये दोनों एक साथ आ गए हैं, ये कट यहाँ पे आ गया है, तो आपने ऐसे करना है, इस कट को यहाँ से पकड़ना है, और इस कट को यहाँ से पकड़ना है, और इसे इसको इस तरीके से ऐसे काट देना है, इसको सही चेक करके ऐसे काट देना फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीका है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, और आस्तीन भी कट जाएगी। मैं आपको काट के चेक करवाता हूँ, अभी ये मैंने काट दी हुई है, अभी इसको मैं मिला लेता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से मिला लेंगे, फ्रेंड ये फार्मूला जो पुराने होते हैं उसको तो पता है, लेकिन जो नए काम करने वाले हैं उनको पता नहीं होता है, तो फिर परेशानी हो जाती है, छोटे अर्थ का कोई सूट आ जाता है तो फिर आस्तीन कैसे निकालनी चाहिए, एक तो डबल पीस निकालना पड़ता है, ये मैंने सिंगल पीस निकाला हुआ है, तो इसमें से मैं आस्तीन काटूंगा अभी, तो मैं आपको तरीका भी समझाता हूँ। 9:30 पे काटनी है फिर इसको, मैं यहाँ से ऐसे मिलाऊंगा, यहाँ से ज़्यादा डाउन नहीं करूँगा, यहाँ से मैं ऐसे डाउन नहीं करूँगा फिर इसको ऐसे डाउन करूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा डाउन करूँगा तो उसमें बल आ जाएंगे फिर, तो उसको मैं ज़्यादा डाउन नहीं करूँगा, इस तरीके से काटूँगा 9:30 पे ऐसे काटूँगा फ्रेंड। अभी फ्रेंड इसका जो डाउनिंग लेनी है 3:30 की, तो मैं यहाँ से स्ट्रेट कर लेता हूँ ऐसे फ्रेंड, स्ट्रेट करूँगा मैं, 3:30 की डाउनिंग लेनी है तो स्ट्रेट करना लाजमी होता है, 3:30 की डाउनिंग लूँगा मैं, तो 3:30 पे निशान लगाऊँगा मैं यहाँ पे, चलिए चेक कर लो, यहाँ पे निशान लगा लूँगा मैं, और इसको ऐसे सीधा कर लूँगा, जो आसान तरीका है बहुत ही ज़्यादा घुमाने फिराने का, वही नहीं तरीका ये, ऐसे सीधा कर लूँगा फ्रेंड, और इसको मैं गोलाई काट के देता हूँ अभी, तो इस तरीके से गोलाई दे देनी चाहिए, फ्रेंड चेक कर लो गोलाई दे दी मैंने फ्रेंड। अभी इसको यहाँ से दोनों को ये फ्रंट साइड से काटेंगे, बैक साइड को नहीं काटेंगे हम, चेक कर लेना चाहिए कपड़े को, बाद में मुश्किल हो जाता है फिर, इस तरीके से काटेंगे फ्रेंड, ये शेप चेक कर लो फ्रेंड। अभी इसको मैं, इसकी लेंथ है 22 की, तो मैं 22 पे निशान लगाऊंगा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, तो 22.5 पे लगा लूँगा, ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगा मैं, 22.5 पे लगाऊंगा, बल्कि 22.5 पे फ्रेंड नहीं लगाऊंगा मैं, ये 23.5 पे लगाऊंगा, मेरा तरीका थोड़ा और है डिफरेंट एक काटने का, तो मैं वो अपने तरीके से काटूँगा, जो मैं काटता हूँ उसी तरीके से काटूँगा, तो मैं वो अभी आपको बताता हूँ मैं। तो ये मैं 6:45 पे निशान लगाने वाला हूँ, 9:30 का कफ लगेगा, तो मैं 6:45 पे निशान लगाने वाला हूँ यहाँ फ्रेंड, ये लगा लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और ये 9:30 यहाँ पे लगा लूँगा मैं, 9:30 की आस्तीन काटनी है फ्रेंड। अब इसको मैं लगाऊँगा, इसकी जो ये आस्तीन की कमर होती है, तो ये मैं ये लगाऊँगा 6:30 पे लगाऊँगा फ्रेंड, तो ये 6:30 पे लगाऊँगा, तो 13 की ये कटेगी, तो ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ये 12 पे जाके तैयार हो जाएगी, 12 से 2 सूत्र ज़्यादा ये तैयार हो जाएगी जब सिलाई लगेगी। तो फ्रेंड अभी ये क्रप है, ये तो इसकी मदद से मैं इसको थोड़ी शेप दूंगा, आपको अगर अंदाजा तो अंदाजे कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास पट्टी है तो इससे भी आप इसको थोड़ा इस तरीके से
मिला सकते हैं फ्रेंड, आसान तरीका है फ्रेंड, चेक कर लो, ये मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से काट लेते हैं अभी इसको, यहाँ से मैं सीधा स्ट्रेट कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको यहाँ से काट लेता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड ये अभी 9:30 की आस्तीन का ये जो गोलाई चाहिए थी, तो 9:30 हमारे पास आ गई है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा बस तरीका आना चाहिए। तो अभी मैं इसको काटूंगा अपने तरीके से, कोई तरीका जो काटता हूँ, यहाँ पे नाखून लगा लूँगा और इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊँगा फ्रेंड तरीके से। सिलाई ये आधा इंच चढ़ा के रखना है यहाँ से, और यहाँ से बीच में नहीं देखना फ्रेंड, आधा इंच यहाँ से चढ़ा के रखना है इसको, और आधा इंच इसको भी चढ़ा के रखना फ्रेंड। तो फ्रेंड ये चेक कर लो, यहाँ से जो ये काली आ रहा है तो ये इसमें बल नहीं आएंगे आस्तीन में, और फिटिंग अच्छी हो जाती है फ्रेंड। ये तरीका बहुत ही आसान तरीका और अच्छा तरीका है, आप ट्राई करके देखना, और यहाँ पे चेक कर लो, बिल्कुल ओके आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ये चेक कर लो भले। तो फ्रेंड अभी मैं इसकी लेंथ लेने वाला हूँ आस्तीन की, 22.5 पे निशान लगाऊंगा, वो मैं अपने तरीके से काटता हूँ, उसी तरीके से काटूंगा, क्योंकि ये आसान तरीका है, उसी आस्तीन जो जब बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो अच्छी खड़ी हो जाती है, मैं वही तरीका काटूंगा फ्रेंड। तो अभी इसको मैं फ्रेंड सीधा ही काटूंगा, कोई भी नहीं करूंगा, वो ये कुत्ते से निशान लगा लेता हूँ आपको चेक करवाने के लिए, बिल्कुल मैं स्ट्रेट काटूंगा, कोई नहीं घुमाऊंगा फिरूंगा इसको मैं, और आपको चेक करवाता हूँ कि इसका शेप कैसे कैसे आता है तरीके से। फ्रेंड ये चेक कर लो, मैंने सीधा निशान लगाया हुआ है, उसको काट दूंगा मैं इस तरीके से काट दूंगा, ये चेक कर लो, मैंने सीधा निशान लगाया हुआ था, और ये कटा इस तरीके से। तो फ्रेंड अभी चाप पट्टी काटेंगे हम, 5.5 पे काटेंगे, तो निशान लगा लेते हैं 5.5 के यहाँ पे, और को काट देते हैं फ्रेंड। बहुत ही आसान तरीका है आस्तीन काटने का, आप चेक कर लो आस्तीन कैसे खड़ी है, सीधी खड़ी है, कोई बल बल नहीं आएगा इसके अंदर, आप ये तरीका अप्लाई करके देखो फ्रेंड, तो आपको अच्छा लगेगा, और ईजी भी है, आसान भी है फ्रेंड। हमारे चैनल पर जो भी वीडियो मैंने डाली हुई है वो सब आसान तरीके से मैं डालता हूँ, ये कटिंग भी मैंने बगैर तीरे वाली की हुई है, ये चेक कर लो, मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, और ये बगैर तीरे की कटिंग मैं करता रहता हूँ अक्सर, तो मैं वही कटिंग करता हूँ फ्रेंड। तो अभी आपको चेक करवाते हैं आस्तीन, तो अभी ये चेक कर लो फ्रेंड, मैंने सीधा काटा हुआ था फ्रेंड आपके सामने, ये कोई मैंने इसको वो नहीं किया था, मैंने फुटे से सीधा काटा हुआ था, तो यहाँ से फ्रेंड चेक कर लो, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ज़्यादा मैंने मार्किंग भी नहीं की हुई इसके अंदर फ्रेंड, फिर भी ये सही जा रहा है। जब यह आस्तीन बनेगी, कफ लगेगी, तो इसमें कफ सीधा खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो फ्रेंड ये तरीका आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करना, और इसके साथ मेरे को इजाज़त देना। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।